नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, कमीशन और कमिटीज़ के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। और स्टूडेंट्स, जो लोग हमारा पेड बैच ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिस प्लेलिस्ट में आपको ये वाली वीडियो मिलेगी। तो वहाँ पर आपको 200 प्लस वीडियोस होंगी, आपको बहुत हेल्प मिलेगी कमीशन और कमिटीज़ और टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के ऊपर। साथ में HPGK की अलग से डिटेल वाली वीडियोस भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर भी सब कुछ क्लियर करवाया हुआ है मैंने वहाँ पे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका मुख्यालय है आपका बेंगलुरु में। नेक्स्ट है इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भारतीय संसद अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1985 में। ओके स्टूडेंट्स, एक बात मैं आप और क्लियर कर देता हूँ कि बुक्स में बहुत ज़्यादा कई बार मिस्टेक्स भी दी होती हैं। कुछ बुक्स बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं लेकिन उनमें भी मिस्टेक्स हैं। ओके, तो जिसको लगे कि यहाँ पे गलत होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। जैसे कि पिछली वीडियोज़ में वहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन में था आपका 2005, लेकिन इसका सही आंसर आएगा 2015, तो इसको सही कर लें। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है, यानी कि इग्नू का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 2017 में हुई थी। और ये NTA ही अब आपके मैक्सिमम एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है सेंट्रल लेवल के। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कब शुरू किया गया, यानी कि MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसको अब हमने जिसका नाम बदल के अब हमने शिक्षा मंत्रालय रखा है ना, और उसका हमारा इसके मंत्री कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान जी इस टाइम यहाँ के मंत्री हैं। तो इसका सही आंसर आपका 29 सितंबर 2015। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी, यानी कि आपका CBSE की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1962। आपको उसका जो हेड होंगे उनका भी पता होना चाहिए और हेड का भी पता होना चाहिए, मतलब दो तीन चीज़ें इनके बारे में CBSE के बारे में आपको पता होना चाहिए। ICSE बोर्ड कब स्थापित हुआ था, तो वर्ष 1958 में हुआ था। ये काफ़ी प्रेसिशियस बोर्ड इसको माना जाता है, काफ़ी अच्छी बुक्स होती है इसकी। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो शिक्षा संस्थान है उसकी स्थापना हुई थी 1990 में, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग और हमारे आंसर के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1961 में हुई थी 1 सितंबर के दिन। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपका, इसका सही आंसर आएगा आपके पास सामने ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली में। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि नेशनल टीचर्स एजुकेशन काउंसिल, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1995 में इसकी वर्ष हुई थी 1995 में। ओके, और आपको ये भी पता होना चाहिए जो मिड डे मील है उसका नाम बदल के, तो 1995 में उसकी स्थापना हुई थी, उसका नाम बदल के भी अब राष्ट्रीय पोषण मिशन रख दिया गया है। अगला है हमारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी किस राज्य में से संबंधित है, तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। आपका IIT मंडी जो कि कमांद में है, कमांद जगह है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, तो उसी की बात कर रहे हैं, मंडी जिले मंडी में पड़ता है ये हमारा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर किस राज्य से है, तो गांधीनगर है तो ये गुजरात में है। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कृषि अनुसंधान केंद्र है आपका न्यू दिल्ली में। और फॉरेस्ट वाला कहाँ पे है आपका, देहरादून में। भाई हिमाचल में कौन सा है आपका, पोटैटो वाला, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके कुफरी में है, शिमला में है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ में है, वनस्पति अनुसंधान केंद्र वाला। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है, कुफरी में। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कहाँ पर स्थित है, ये कोलकाता में है। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका चंडीगढ़ में है जीवाणु वाला। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये IIT रुड़की में स्थित है। केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो ये भावनगर में स्थित है, शायद गुजरात में। ये हिंदुस्तान टेलीप्रिंटिंग लिमिटेड किस राज्य से संबंधित है, तो टेलीप्रिंटिंग है आपका ऑप्शन नंबर डी, और डी क्या है आपका, तमिलनाडु से संबंधित है। अगर देखते हैं हमारा हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है, हिंदुस्तान स्टील कॉरपोरेशन आपके दुर्गापुरा में है।
हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी खेतड़ी राजस्थान में है, कॉपर खेतड़ी। राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में है। अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में है। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना काटा किसे कहा जाता है? तो ये मैग्ना काटा आपका बोर्ड्स डिस्पैच को कहा जाता है ना, तो इन्हें 1854 में आया था। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से कही बात कही थी, अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से आपकी पढ़ाई लिखाई हो, तो ये 1835 में आया था। लेकिन मैग्ना काटा किसको कहा जाता है? बोर्ड डिस्पैच को कहा जाता है। अगला हमारा नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष करी गई थी? तो एजुकेशन पॉलिसी जो थी आपकी, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से ही लिखें, 1986 में आई थी। अभी 2020 में भी आई है आपकी ना। शिक्षा में 10+2+3 पैटर्न के लिए सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया था? 10+2 जो कि 1986 के इसके आया था, इसमें आया था। तो इसका सुझाव आंसर कहाँ गया इसका? ऑप्शन नंबर डी है, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम 10+2+3 शिक्षा कब लागू हुई थी? तो ये तो आपको पता है, ये 1986 में लागू हुई थी। इसमें अभी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का अभियान कब चला गया था, कब चला था ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड? इसका आंसर मेरे को दिख नहीं रहा वैसे, लेकिन 86-87 इनके बीच में चला था, 87-88 के बीच में चला हुआ या फिर सारे ऑप्शन बहुत क्लोज हैं वैसे। अब मैं वही क्वेश्चन करवाऊंगा जिसका मेरे को आंसर यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे करवाने का कोई इनको दोबारा से करवा दूंगा किसी दिन। चलिए देखते हैं अभी हम, त्रिभाषा सूत्र किस समिति द्वारा बताया गया था? तो मतलब त्रिभाषा, थ्री लैंग्वेज सिस्टम, तो एक कोठारी कमीशन द्वारा था। कोठारी कमीशन 1964 से 1968 के बीच में चला था। भारत देश में सबसे सन 1966 में पहली शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू करी गई थी? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी के द्वारा 1968 में। ओके, नई शिक्षा नीति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एक डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे। 2020 वाले की बात हो रही है। और इसका पैटर्न क्या है? 5+3+3+4 है। ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, यस सी इज़ द राइट आंसर। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूँ, और जो लोग इस वीडियो को बहुत बाद में देख रहे होंगे, हमारा क्रैश कोर्स चलेगा अब। अब इस बैच में तो आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो भी कर सकते हैं अभी तक, लेकिन इसके बाद क्रैश कोर्स चलेगा। तो क्रैश कोर्स में जो ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, तो उसमें ज्वाइन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो बहुत यहाँ पर तो ऐसा होता है कि उस वहाँ पर तो हर सब्जेक्ट को डिटेल में करवाया जा रहा है, बहुत डिटेल में करवाया जा रहा है। ओके, स्टैंडर्ड बुक से उनको आपको फॉलो करवाया जा रहा है। डेमो क्लासेस आपको वीडियोज़ बहुत सारी मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध तक्षशिला शैक्षणिक संस्थान वर्तमान समय में किस देश में है? तो पाकिस्तान में तक्षशिला। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी है, HRD नहीं है, है ना, HRD नहीं है। शिक्षा किस वर्ष समवर्ती सूची का विषय बना? तो ये बना था 1976 में, समवर्ती सूची का विषय, कंकरेंट लिस्ट का विषय। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति में स्नातक विद्यार्थियों को किस नाम से जाना जाता था? तो पंडित के नाम से जाना जाता था। अगला, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यहाँ पे, 1920 में हुई थी। ओके, अगला देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे, सर सैयद अहमद खान। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? तो भगवान श्री कृष्ण के छोटे भाई भरत के पुत्र तक्ष ने, ऐसा माना जाता है ना, उनकी उन्होंने की थी। बिंबिसार के राज वैद्य जीवक ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही अब इनकी शिक्षा प्राप्त हुई थी। चौथी सदी तक भारत का कौन सा विश्वविद्यालय विभिन्न देशों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र था? तो ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला विश्वविद्यालय। स्टूडेंट्स हमारे इतनी मस्त मस्त यूनिवर्सिटी थी हमारी, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला, तक्षशिला, बहुत गजब लेवल की यूनिवर्सिटी थी हमारे पास। लेकिन वही हुआ कि विद द टाइम, अब देखो बाहर फॉरनर आते थे इंडिया में शिक्षा ग्रहण करने, और जो अब जो आप सुनते हो ना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT, ये बसो, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, पुरानी होने की वजह से भी फेमस हो चुकी हैं।
अब देखो हमारे पास तो उनसे भी पुरानी पुरानी हमारे पास इस टाइम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन बात क्या है कि अभी उनको कोई तवज्जो नहीं देता है ना, मतलब इनका रख रखाव ढंग से नहीं हुआ, हर किसी ने आके इनको तोड़ने की कोशिश की और आज इनका मतलब एक तरह से ये लुप्त होने की कगार पे है, अब तो कौन ही करता है यहाँ से। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय इतना बेहतरीन था हमारा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक गुप्त वंश के शासक के समय किसके समय में होता, तो कुमार गुप्त प्रथम ने इनका शासन करवाया था और गुप्त वंश ने इनका शासन करवाया था, यही बात है। धर्मगंज पुस्तकालय किस प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार में पड़ता है ये। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस संस्थापक ने की थी, दो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना करी गई थी। भारत के किस प्राचीनतम विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों के आचार्यों को द्वारा पंडित कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी है, सभी को, सभी जो भी इनसे पास आउट होंगे तो उनको पंडित कहा जाता था। चलिए इतना ही, काफ़ी आज के लिए इतनी ही वीडियो। और स्टूडेंट्स अपने अगर आपने मतलब पेड वे ज्वाइन करते हो तो आपको बहुत कुछ मिलेगा वहाँ पे, 12 के लगभग सब्जेक्ट आपको डिटेल में करवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, PDFs मिल रही हैं, फिर आपको मेन चीज़ है गाइडेंस मिल रही है कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये सो जो भी पढ़ना होगा आपने। ओके, बाकी वीडियोज़ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी, मुझे लगता है कि 100+ वीडियो ही हो जाएंगी जब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यही है, अगर जिसने ज्वाइन करना हो, मेरे को मुझे पता है कि हमारे चैनल की रीच बहुत कम है, बहुत कम लोगों तक हमारे चैनल जो है पहुँचा पाता है, इन्फॉर्मेशन पहुँचा पाता है, तो अगर आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है और आपका किसी दोस्त को अगर करना भी होगी ज्वाइन करना होगा, तो प्लीज़ 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 बताएँ। हमारा जो प्राइस है वो है 1999, यानी कि 2000 में ही आपको पूरा पूरे कोर्स इस टाइम हम आपको दे रहे हैं, तो जिसने ज्वाइन करना है वो बता दें। ओके, तो इसी के साथ हम वीडियो को यहीं समाप्त कर देते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।